मिर्ची पर प्रतीक है आपके साथ, कैसे हैं? और शनिवार के कलाकार की अगर बात करी जाए तो जो हमारा अवध है ना भाई साहब, वो मतलब मुझे लगता है हुनरमंद लोगों से भरा पड़ा है, क्योंकि यहाँ का जो परचम है वो न सिर्फ यहाँ रहता है बल्कि पूरे भारत में, बल्कि पूरे विश्व में लहराता रहता है। अगर बात करी जाए बाराबंकी की, तो बाराबंकी एक पड़ोस का एक ऐसा शहर है हमारा, जहां पर एक से बढ़कर एक लोग हुए और विश्व स्तर पर स्पोर्ट्स को लेकर के जाने वाले केडी सिंह बाबू जी, वो वहीं के थे। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं छाया चौराहा जाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं वहां पे कचौड़ियां खाता हूँ। वहां का ही एक गांव जिसका नाम इंदौरिया, इंदौरिया से एक कलाकार इस वक्त मेरे साथ जुड़ा है, बड़ा प्यारा इंसान, सुमित नाम है इनका, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर तो ये छाए रहते हैं। फिलहाल अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में छा गए, इन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया है, वो क्या किया इनके मुंह से ही सुनते हैं। फिलहाल वेलकम टू प्रतीक का शो सुमित, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। थैंक यू भैया, थैंक यू। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। तो भैया ये क्या मतलब, कैसे चित्रकारी की जो कहानी थी, आई गेस मुझे याद है कि जैसे जब मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था तो आपने बताया था कि शायद आपके घर में खेती किसानी होती है। सो वो हल से लेकर के ये कलम और ये पेंट ब्रश, ये कैसे आया तुम्हारे हाथ में? ये एक्चुअली भैया, मुझे याद है जहां तक, जब मैं छोटी क्लासों में था तब कुछ कंपटीशन हुआ करते थे बाराबंकी में, पानियर कॉलेज एक है वहां पर, तो मैं जब वहां जाता था तो जैसे कुछ लोगों को मैं देखता था जो करते हैं ड्राइंग्स, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता था। तो हालांकि मुझे भी बचपन से था कि, और कभी कभी कर भी लेते थे, तो ये हुआ कि नहीं मुझे इसी में कुछ करना है आगे, तो मैंने उसी टाइम पे मैंने ध्यान दिया ड्राइंग के ऊपर और पोर्ट्रेट्स बनाना स्टार्ट किया। हालांकि मुझे काफी ज्यादा समय लगा यहां तक पहुंचने में, तकरीबन मान के चलिए 10 साल तो लग ही गया मुझे। लेकिन जब मैं फिर वही हुआ कि मैथ्स वगैरह से मैंने इंटर कर लिया, लेकिन क्या था कि जब खून में कोई चीज होती है ना तो वो बाद में निकल के आ ही जाती है। सही बात है। तो वो चीज मैंने अपने आप को मतलब देखा कि मुझे इस साइड में जाना चाहिए, तो मैंने ड्राइंग को चूज किया एज अ करियर और मैंने उसी पे अपना जो भी 110% है देना स्टार्ट कर दिया। तो रिजल्ट आपके सामने है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सुमित का एक रिकॉर्ड भरा है जहां पर बिगेस्ट पोर्ट्रेट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, ये इन्होंने डिजाइन किया था। कितनी तारीख को किया था? ये मैंने किया था 2 अक्टूबर को। अच्छा, जब उनकी जयंती होती है। ग्रेट। मेरे साथ में इस घंटे सुमित बने रहेंगे, पूरी तरीके से सुनते रहिए मिर्ची। अच्छा, ऐसे इतना रहेगा, ठीक है? ओके ओके, परफेक्ट। और मेरे साथ में इस वक्त जो लड़का है उसका नाम है सुमित, और ये एक बाराबंकवी है। मिर्ची पर प्रतीक है आपके साथ। सुमित, ये पता है ना बाराबंकवी, बहुत सारे शायरों के नाम के साथ में बाराबंकवी जो उनका तखल्लुस था एक तरीके से, वो लगाया गया था, पता है ना? जी। ओके, सो सुमित को जितने लोग अभी अभी बिल्कुल सुनना उन्होंने शुरू करा है, तो मैं बता दूं सुमित एक बहुत जबरदस्त से स्केच आर्टिस्ट है और पेंटिंग करते हैं। इन्होंने अभी एक हाल फिलहाल में एक झंडा गाड़ा है, वो झंडा ये है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की सबसे बड़ी अब तक की जो पेंटिंग है वो सुमित ने बनाई है, और इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। सो सुमित, एक चीज मैं ये पूछूंगा कि ये आइडिया कहाँ से आया कि कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड बनाते हैं? एक्चुअली भैया, मैं इंस्टाग्राम देखता रहता हूँ, उसमें काफी ज्यादा आर्टिस्ट जो है अपने इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल सारे लोग लगभग लगभग जुड़े हुए हैं, तो मैंने उसमें देखा कि काफी लोग बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह बना रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं एक बार। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं 2 अक्टूबर को, वैसे तो 2 जयंती गांधी जी के ऊपर काफी सारे लोगों ने काम कर रखा हुआ था, लेकिन शास्त्री जी के ऊपर लगभग कोई ही था कि कम ही देखने को मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको इनके बर्थडे पर मैं एक बड़ा सा पोर्ट्रेट बनाऊं। क्या बात है। तो मैंने जो है वही 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया और मैंने बनाना स्टार्ट किया, और इसमें जो मुझे जो इसका एरिया था वो 7500 स्क्वायर फीट था, और इसे बनाने में मुझे 40 घंटे का समय लगा। अरे भयंकर। और ये मैंने 12 घंटे लगातार 40 घंटे बनाए हैं। नहीं, मैंने बीच बीच में ब्रेक लिया, लेकिन ज्यादा घंटे का नहीं, बस वही 1-2 घंटे का। जो किस चीज से बनाया? ये मैंने बनाया हुआ था चूना पत्थर, पाउडर होता है उससे, और ये जो स्टैनर ब्लैक कलर होता है जो हमारे वॉल वगैरह पेंट करके बनाया था। पेंट करके क्या बात है। वो मैंने, मुझे याद है उस दौरान मतलब मैं थोड़ा सा बिजी था, अदरवाइज मैं भी आता, तुमने मुझे भी इनवाइट किया था, बट बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। तो ये रिकॉर्ड तुम्हें मिल गया पूरा सब? जी भैया जी, बिल्कुल ये रिकॉर्ड मुझे मिल गया। ये जो है मुझे 21 दिसंबर को मतलब नॉमिनेट कर दिया गया था, सारी चीजें उनकी थ्रू जो भी होता है एविडेंस वगैरह चेक करके, और साथ में मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का भी नॉमिनेट हुआ है। क्या उसका अभी सर्टिफिकेट आना बाकी है। वेरी नाइस। तो सुमित से बातें चलेंगी,
क्या और करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये भी इनसे पूछेंगे। आप लोग सुनते रहिए मिर्ची विद मी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करने वाले अपना नाम सुमित। इट्स ऑल मिर्ची पर प्रतीक है आपके साथ, कैसे हैं? और मेरे साथ शनिवार का जो कलाकार जुड़ा वो सुमित। सुमित बाराबंकी के रहने वाले, इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 में अपना नाम दर्ज कराया। इन्होंने बिगेस्ट पोर्ट्रेट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री बनाई। सुमित चलते चलते क्या कहना चाहोगे, क्या तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स हैं? बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त तुम्हें सुन रहे हैं, लाखों लखनऊ वाले ना सिर्फ बल्कि पूरे अवध वाले तुम्हें सुन रहे हैं, क्या बोलोगे? जी मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी तो मेरा काफी बड़ा और भी है कि मुझे और वर्ल्ड लेवल पे काम करना है, और इसमें जितनी भी मेहनत लगेगी मैं पूरी मेहनत करने वाला हूँ। और बाकी अगर कोई संस्था मुझसे जुड़ना चाहती है और मैं वर्ल्ड लेवल पे काम करना चाहता हूँ, तो अगर कोई संस्था मुझसे जुड़ना चाहती है तो मुझे वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आर्टिस्ट सुमित कुमार स्केच गुरु जो मेरा पेज है, जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी वगैरह है, तो आप मुझे वहां पर मतलब जुड़ सकते हैं हमसे, और जो भी आपकी बातें हो हमसे बोल सकते हैं वहां पर। और अपने दिल की कोई बात कहना चाहो, क्योंकि कल देखो कल क्या है, तुम्हारे शहर बाराबंकी के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है, वहां पर कल इलेक्शन है, कल पांचवें चरण का चुनाव भी है, तो लोग जाएं वोट डालें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वोट डालना। और क्या कुछ अपने दिल की कोई बात शहर वालों से कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल भैया जी, जैसे आपने कहा कि कल वोट का दिन है, और कल सभी लोग से मतलब मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें, और जो भी जहां पे आपका वोट है वहां पे आप जाएं और वोट डालें अपना। चलो ऑल द बेस्ट सुमित, बहुत सारा अच्छा काम करिए, बहुत बहुत नाम कमाइए, बहुत सारी ढेर सारी दुआएं आपके साथ में मिर्ची की और प्रतीक दोनों की। थैंक यू भैया जी, थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।